विजयपुर में सांबा के उप जिला में यातायात विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसपी मुश्ताक चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस बैठक में व्यापार मंडल विजयपुर को मुख्य रूप से सूचित किया गया था। व्यापार मंडल के लोगों ने एसपी मुश्ताक चौधरी के सामने विजयपुर बाजार चलाने में कठिनाइयों का खुलासा किया। इसके साथ साथ अन्य लोगों ने एसपी मुश्ताक चौधरी के सामने यातायात समस्याएं भी रखी। एसपी ग्रामीण मुश्ताक ने जितनी जल्दी हो सके सभी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। मैं प्राइमरीली चार डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ, सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी। इन चारों डिस्ट्रिक्ट में जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं ड्यू टू रोड क्रैश, वो सबसे ज़्यादा सांबा में है। इन रोड क्रैश को किस तरह कम किया जाए, ये डेथ्स जो है मतलब ये जान का जो है ज़िया है सड़क पे, तो इनको कैसे रोका जा सके। उनमें कोई जो बुनियादी चीज़ें हैं, मतलब जो बेसिक इशूज़ हैं, जिस तरह हेलमेट है, अगर आप हेलमेट पहनते तो आपकी 80% चांसेस जो हैं, खुदा ना करे एक्सीडेंट हो तो 80% चांसेस फैटलिटी के कम हो जाते हैं। इसी तरह सीट बेल्ट का, सीट बेल्ट अगर बंदे ने पहनी है और एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उसमें उसके 60-70% जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं डेथ के, फेटल के। इसी तरह जो रूट परमिट वगैरह ओवरलोडिंग में जो गाड़ियाँ चलती हैं, ओवरलोडेड गाड़ी में जो जो बंदा लटका हुआ है, जो ऊपर चढ़ा हुआ है, उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो 80-90% बढ़ जाती है फेटलिटी की। तो उन्हीं चीज़ों पर हमारा फोकस है। तो आज कुछ मार्केट में कंजेशन को लेके कुछ इशू थे, उस पर बातचीत हुई है। तो हमारा जो फोकस है, हम अगर आंकड़ों की बात करें तो सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है, मेरे ये चारों जो डिस्ट्रिक्ट जो मेरे जुरिस्डिक्शन में है, सांबा में 716 डेथ्स जो हुई हैं पिछले 10 साल में, और पिछले साल भी 87 के करीब लोग जो हैं वो एक्सीडेंट्स की वजह से अपनी जान गंवा गए। तो हमारा प्रयास है कि ट्रैफिक जो कानून है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनमें लोगों का भी सहयोग लिया जाए, ताकि ये डेथ्स जो हैं इनको हम रिड्यूस कर पाए। देखिए, ऑन रोड जो है, मैंने आपको कहा कि जिस तरह सीट बेल्ट है, हेलमेट है, ये डायरेक्टली हिट करती है, मतलब जो रोड यूज़र है, कम्यूटर है, उसको डायरेक्टली उसकी लाइफ के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं। हम इन चीज़ों को जो लाइफ के साथ डायरेक्ट जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं उनको एक इन्फोर्समेंट करेंगे, एजुकेट भी करेंगे लोगों को। और ये जो आज मीटिंग थी, एक एजुकेशन का भी प्रयास था, जिसमें बुजुर्ग लोग भी थे, नौजवान भी थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो भी ट्रैफिक कानून का पालन करें और अपने घर में अपने जो नौजवान बच्चे हैं उनको भी बताएं, और जो लोग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हैं उनको भी, मतलब जो है घर वालों की तरफ से बेसिकली ये एक बिहेवियरल चेंज का हमारा प्रयास है। तो वो इन्फोर्समेंट के साथ बिहेवियरल चेंज पे भी हमारा फोकस है। विजयपुर से अमन कुमार, अलर्ट इंडिया न्यूज़।